بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله صدق الله المولانا العظيم एक को बंद कर दीजिएगा बिल्कुल बंद बातों से भी बदली है किसी कौम की तकदीर बातों से भी बदली है किसी कौम की तकदीर और बिजली के चमकने से अंधेरे नहीं जाते मेरे बुजुर्गों मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा वक्त ज्यादा नहीं है और अभी हमारे बीच कई अहम मुकर्ररों को सुनना है। मैंने सबसे पहली जो आयत पढ़ी है सूरतुल बकरा की पहली आयत, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहे हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यह ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। बड़ी खुशी का मकाम है कि आज इस मदरसे में, मदरसा तरतीरुल कुरान में 22 तलबा फारिग हो रहे हैं और उनके सरों पर दस्तारबंदी की जाएगी और इससे पहले भी 20 बच्चों की दस्तारबंदी हो चुकी है। इसके जो मुहतमिम हैं हमारे दोस्त मौलाना नौशाद साहब मज़ाहिरी और उनके मुआविन कारी नौशाद मुहम्मदी और आप सब की मुआवनत, इस मुआवनत और इनकी कोशिशों को हम सलाम करते हैं। कुरान करीम की जो आयत हमने पढ़ी है, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहे हैं कि ए लोगों, जो मोमिन हो तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। यानी जो लोग मोमिन हैं, जिनका ईमान है अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर, प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि ईमान वालों, तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, ईमान लाओ रसूल पर, ईमान लाओ उसकी किताब पर, ईमान लाओ। इसका मतलब वाज़े है कि अगर तुमने ये कह दिया कि हमने ईमान कबूल कर लिया, हमने इस्लाम का ऐलान कर लिया, तो ये काफी नहीं है बल्कि अमल की जिंदगी में पेश करना पड़ेगा कि वाकई तू मुसलमान है, तू ईमान वाला है, तू मोमिन है। अगर अमल के मैदान में ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर ईमान नहीं है। हजरत खब्बाब बिन अल अरद रजी अल्लाह तआला अन्हु एक बड़े जलीलुल कद्र सहाबी रसूल हैं। हजरत खब्बाब बिन अल अरद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सुना मक्का की सरजमीन में मोहम्मद नाम का एक शख्स है और उन्होंने इस्लाम का ऐलान किया है, रिसालत का ऐलान किया है और लोगों को एक खुदा की तरफ बुला रहा है, हजरत खब्बाब बिन अल अरद अल्लाह तआला एक काफिरा औरत के गुलाम थे, उन्होंने कलमा
पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं कलमा पढ़ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इसके नतीजे में वो काफिर औरत आती है और आग जलाती है, शोले दहकने लगते हैं, अंगारे उठने लगते हैं। हजरत खब्बाब बिन अलअरद रज़ियल्लाहु तआला को उस आग के अंगारे में उस दहकते हुए शोले में डाल दिया जाता है। हजरत खब्बाब को एक तरफ से घिसेट कर दूसरी तरफ लाया जाता है। इस घिसेटने के नतीजे में जिसमें से खून निकलते हैं, चर्बियां निकलती हैं, जिसमें के खून से इस चर्बियों से आग बुझ जाती है। मगर उसके बावजूद हजरत खब्बाब बिन अलअरद रज़ियल्लाहु तआला की ज़बान पर एक ही नारा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के नीचे चादर उड़ कर आराम फरमा रहे हैं। हजरत खब्बाब आते हैं, अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ताजदार बखा इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की मदद कब आएगी? मेरे नबी ताजदार बखा इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत खब्बाब के चेहरे को देखते हैं, हजरत खब्बाब से कहते हैं, ए खब्बाब, क्या तू घबरा गया? क्या तू डर गया? ए खब्बाब, तुम्हें पता नहीं कि तुमसे पहले जो लोग आए थे उन्होंने भी इस्लाम का ऐलान किया था, उन्होंने भी यही कलमा पढ़ा था, उन्होंने भी यही कलमा पढ़ा था और अपने रसूल की रिसालत का इकरार और एतराफ किया था। इसके नतीजे में लोहे की कंघी लाई गई, उनके गोश्त को नूच लिया गया, आड़े मशीन में लाया गया और उस आड़े मशीन में दो टुकड़े कर दिए गए, मगर फिर भी उनके पाए इस्तेकामत में लग्जिश न आई। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, हम सब मुसलमान हैं। क्या मुसलमान हैं? क्या हम सब मुसलमान हैं? हाथ नहीं उठा रहे हैं। अभी बड़ा जज्बा था, नाते रसूल सुन रहे थे, मगर अभी हाथ नहीं उठा रहे हैं। ये हमारे अंदर ईमानी जज्बा है। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तसल्ली दे रहे हैं हजरत खब्बाब बिन अलअरद रज़ियल्लाहु तआला को कि ए लोगों, हालात आएंगे, मसाइल आएंगे, तूफान आएंगे, आंधियां चलेंगी, लेकिन हर हालत में अपने दीन पर कायम रहना है, अपने इस्लाम पर कायम रहना है। हर हालत में ये साबित होना चाहिए कि वाकई आप मुसलमान हैं, वाकई आप मोहम्मद के मानने वाले हैं और वाकई आप तौहीद वाले हैं और आप अल्लाह वाले हैं। आज हमारे नौजवान हैं, नौजवानों को बहकाया जा रहा है, हमारी नौजवान बेटियां हैं उन्हें बहकाया जा रहा है। अभी कल ही एक मोबाइल में पढ़ रहा था, एक बाप अपनी बेटी से गुहार लगा रहा है और अपनी बेटी से कह रहा है कि बेटी घर चलो, लेकिन उसकी बेटी कोर्ट में खड़ी है उस दूल्हा के साथ जो मुसलमान नहीं है। रजिस्ट्री ऑफिस में खड़ी है, रजिस्ट्रार ऑफिस में बाप ये कह रहा है कि चलो घर चलो, बेटी कह रही है कि मैं घर नहीं जाऊंगी, उस लड़का के साथ जाऊंगी जो मुसलमान नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस में वाकया ये हुआ कि जब बेटी कॉलेज में पढ़ रही थी, बाप ने मोबाइल दिया, ये कहकर कि बेटी है, मोबाइल दे दिया और उस मोबाइल के जरिए से वो बेटी किसी के इश्क में मुब्तला हो गई और वो जो नौजवान था वो मुसलमान नहीं था। अब बाप जिद कर रहा है कि घर चलो, बेटी कह रही है कि मैं घर नहीं जा सकती, बाप ये कह रहा है कि चलो ईमान के रास्ते में और बेटी जा रही है कुफ्र के रास्ते में, बाप ये कह रहा है कि चलो मोहम्मद के रास्ते में लेकिन बेटी
अपनी नाक को रगड़ रही है और मोहम्मद की तरफ जाना मंजूर नहीं है। यही समाज का हाल है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुदाफा रजी अल्लाह तआला बड़े जलीलुल कद्र सहाबी रसूल हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत है, कैद कर लिया जाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुदाफा रजी अल्लाह तआला को हमारे नौजवान बहने नौजवान बच्चे इस वाकया को सुने और वो सबक हासिल करें। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुदाफा रजी अल्लाह तआला को कैद कर लिया जाता है। कैसर रूम कैद कर लेता है। रूम का बादशाह कहता है, ए अब्दुल्लाह इब्ने हुदाफा तू ईमान को छोड़ दे, तू इस्लाम को छोड़ दे, तू ईसाइयत कबूल कर ले, हम तुम्हें अपनी बेटी से शादी दिला देंगे। ए अब्दुल्लाह इब्ने हुदाफा तू ईमान को छोड़ दे, तू ईसाइयत को कबूल कर ले, हम अपने राजपाट में तुम्हें शरीक कर लेंगे, हम हुकूमत में हिस्सेदारी दे देंगे, अपनी बेटी से शादी दिला देंगे और हिस्सेदारी दे देंगे अपनी हुकूमत में। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुदाफा का जवाब यह है कि हम लात मारते हैं तुम्हारी बादशाहत पर और तुम्हारी दोशेजा पर हम ठोकर मारते हैं, हमें ईसाइयत मंजूर नहीं है। आज का नौजवान होता तो क्या कह देता। आज का नौजवान नौजवान खूबसूरत दोशेजाओं के चक्कर में अपने ईमान और अपने इस्लाम को बेचने पर तुले हुए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुदाफा रजी अल्लाह तआला का जवाब है कि हमें मंजूर नहीं है। उसके नतीजे में सूली पे चढ़ाया जाता है और नीचे से तीरों की बारिश होती है। अब्दुल्लाह इब्ने हुदाफा को कहा जाता है, अभी भी इस्लाम को छोड़ दे, ईमान को छोड़ दे, ईसाइयत को कबूल कर ले, हम तुम्हें ऑफर देते हैं, अपनी बेटी से शादी दिला देंगे और अपने राजपाट में हिस्सेदारी दे देंगे, मगर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुदाफा रजी अल्लाह तआला का जवाब है कि नहीं। उसके बाद एक देग लाया जाता है, देग को जलाया जाता है, उनके साथियों को डाला जाता है, वो जलकर राख हो जाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुदाफा को लाया जाता है और कहा जाता है, तुम्हें भी इस डेग में जलाया जाएगा, तुम भी जलकर राख हो जाओगे। अभी भी कहते हैं ईमान को छोड़ दो, अभी भी कहते हैं इस्लाम को छोड़ दो, अभी भी कहते हैं ईसाइयत को कबूल कर लो, अभी भी कहते हैं हम अपनी बेटी से शादी दिला देंगे, अपने राजपाट में तुम्हें शरीक कर लेंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुदाफा रजी अल्लाह तआला की आंख से आंसू जारी हो जाते हैं। बादशाह वक्त कहता है, ए अब्दुल्लाह इब्ने हुदाफा तू डर गया, मैं अभी भी ऑफर दे रहा हूँ, अभी भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुदाफा रजी अल्लाह तआला जवाब देते हैं, ए कैसर रूम, ए बादशाह वक्त, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि अभी मैं जला दिया जाऊंगा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि अभी मेरी मौत आ जाएगी, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, बल्कि इसलिए रो रहा हूँ, एकाश कई बार जाने होती, एकाश कई बार मारा जाता, कई बार कत्ल किया जाता, कई बार जिंदा किया जाता, कई जाने होती, कई बार जिंदा किया जाता, कई बार मारा जाता, कई बार कत्ल किया जाता और कई बार जिंदा किया जाता, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं तुम्हारी मौत से घबरा कर नहीं रो रहा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुदाफा की इस बहादुरी को, इस शुजात को देखते हैं तो बादशाह वक्त कहता है कि हम तुम्हें आजाद करते हैं, हम तुम्हें आजाद करते हैं। ए मुसलमानों, ए दुनिया वालों, इस वाकया से यह सबक मिलता है कि मौत का कोई भी मालिक नहीं है, मौत का मालिक वही है जिसने हम सबको पैदा किया है, हमारी मौत का मालिक वही है जिसने हमें जिंदगी दिया है, जिंदगी का भी मालिक वही है और मौत का भी मालिक वही है। दुनिया की किसी ताकत, किसी किसी चीज में ये ताकत नहीं है कि मुझे मौत दे सके। जब भी अगर मौत की ऐसी खुशखबरी दी जाए और उसके बदले में तुम्हें इर्तिदाद के चौखट पर
बख्शी जाए। हे मुसलमानों, ऐसे मौके पर पूरी मजबूती से अपने दीन और अपने ईमान को मजबूती से कायम रहना है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला खुद कहते हैं, इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्म इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू। पुराने करीम में अल्लाह ताला कहते हैं, इन्नल्लज़ीन क़ालू के जिसने कह दिया हमारा रब अल्लाह है, अब उसके जिम्मेदारी ये है कि पूरी मजबूती से अपने दीन पर कायम रहे, अपने इस्लाम पर कायम रहे, हालात जैसे आए जितनी भी ताकतें सामने में आ जाए, लेकिन ऐसे मौके पर अपने दीन की हिफाजत करना है, अपने ईमान की हिफाजत करना है। और इन छोटे छोटे मदरसों में, इन मकतबों में जो तालीम दी जाती है, इस तालीम के जरिए आपके और आपके बच्चों के दीन को मजबूत किया जाता है, आपके बच्चों के इस्लाम को मजबूत किया जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने बच्चों को कॉलेजेस में न पढ़ाएं, अपने बच्चों को स्कूल में न पढ़ाएं, लेकिन रब्बे ज़ुल्जलाल की कसम, अगर अपने बच्चों के दीन और ईमान को मजबूत करना है तो अपने बच्चों को सबसे पहले इन मकतबों में भेजिए, इन मदरसों में भेजिए। इसलिए कि मदरसों में आपके बच्चों के दीन को मजबूत किया गया है। क्या हम सब करेंगे इंशाल्लाह? हम सब करेंगे इंशाल्लाह। एक और पैगाम मैं देना चाहता हूँ। आज जो इर्तदाद की आंधी चल रही है, उसके बारे में एक पैगाम को जो भी हमने दिया कि हर हालत में अपने दीन और अपने इस्लाम को महफूज रखना है इंशाअल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं देखिए, या अय्युहल्लज़ीन आमनु क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। कुरान पढ़िए तो मजा आएगा और इसके तर्जमा को समझिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐ लोगों, जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया, ऐ लोगो जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, ऐ लोगो जिसने दामने मोहम्मद में पनाह ले ली, ऐ लोगो जिसने एक खुदा का इकरार कर लिया। इसमें वो लोग भी आए जो मौलवी हजरत हैं, वो लोग भी आए जो मदरसों में पढ़ाते हैं, वो लोग भी आए जो मस्जिदों में इमामत का फरीदा अंजाम देते हैं, वो लोग भी आए जो खेती बाड़ी का काम अंजाम देते हैं, वो लोग भी आए जो तिजारत और बिजनेस करते हैं। कुरान करीम इन सारे लोगों से कहता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कह लोगो, सबसे पहले अपनी और उसके बाद अपने अहल अयाल की जहन्नम की आग से बचाओ, यानी खुद को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। बचाएंगे इंशाअल्लाह। और वो बात कहां मिलेगी? इन मदरसों में मिलेगी। एक दूसरा पैगाम हम देना चाहते हैं। जब मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान वाले हैं, तो हमारा ईमान है अल्लाह के रसूल पर। हमारा ईमान कैसा होना चाहिए? एक सहाबी रसूल का मैं वाक्य पहले सुनाता हूँ। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला, एक सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के रसूल प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए हैं। एक सहाबी रसूल आते हैं, सलाम करते हैं, अल्लाह के रसूल जवाब नहीं देते, मुंह फेर लेते हैं। वो सहाबी रसूल पूछते हैं करीब में किसी सहाबा से कि बात क्या है। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि दरअसल तुमने सोने की अंगूठी पहनी है, क्योंकि सोना पहनना मर्दों पर हराम था, सोने की अंगूठी पहनी है। वो सहाबी रसूल जब देखते हैं कि अल्लाह के रसूल इस सोने की अंगूठी की वजह से हमसे नाराज है, वो सहाबी रसूल अंगूठी से सोने की अंगूठी निकालते हैं और नबी के पास पेश कर देते हैं। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ताजदार था, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने की उस अंगूठी को लेते हैं और लेकर फेंक देते हैं।
उसके बाद मजलिस बर्खास्त होती है, अल्लाह के रसूल प्यारे नबी चल देते हैं, दूसरे सहाबी रसूल उनके साथ हैं और ये सहाबी रसूल भी पीछे पीछे चल देते हैं। वहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, वो कहते हैं उस सहाबी रसूल से जिसकी अंगूठी को फेंक दिया गया है, उससे कहते हैं कि जाओ और उस अंगूठी को उठा लो, जाओ उस अंगूठी को उठा लो, तुम नहीं पहन सकते लेकिन तुम्हारी बीवी के काम आ जाएगी, तुम नहीं पहन सकते लेकिन बाजार में जाओगे उस अंगूठी को बेच लोगे, तुम नहीं पहनोगे तो क्या होगा, उससे नफा हासिल होगा, उससे पैसे आएंगे। मगर उस सहाबी रसूल का जवाब सुनिए, वो सहाबी रसूल कहता है, वो सहाबी रसूल कहता है कि अल्लाह की कसम जिस अंगूठी को मेरे नबी ने फेंक दिया, ताजदार था इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया, इस गुलाम में ये ताकत नहीं है कि उस अंगूठी को उठाए, इस अंगूठी को मैं नहीं उठा सकता। ये है नबी की मोहब्बत, ये है ताजदार था इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। क्या ये मोहब्बत कायम करेंगे हम लोग? कायम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम और आप में से कितने लोग हैं जिसकी शादी हो गई है? कितने लोग हैं जिसकी शादी हो गई, जरा साथ आइए, जिसकी शादी हो गई हाथ उठाइए, नहीं उठाएंगे हाथ उठाइए। कितने लोग ऐसे हैं जिसकी शादी हो गई? मैं बहुत ही अहम बात सुनाने जा रहा हूँ। कितने लोग हैं? मतलब आपका शादी नहीं हुई है? अब देखिए, जिसकी शादी हो गई है वो, और जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी बारात में जाते हैं, मजलिस निकाह में जाते हैं। मजलिस निकाह में जब एक काजी जब निकाह पढ़ाने के लिए आता है, तो निकाह के कबूल कराने से पहले काजी साहब एक खुतबा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक खुतबा पढ़ते हैं। ये वही खुतबा है जो कि अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ताजदार था इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी खुतबा पढ़ा गया। ये वही खुतबा है जो कि सहाबे किराम के दौर में पढ़ा गया। ये वही खुतबा है जो आज भी पढ़ा जाता है। वो खुतबा क्या है आप जानते हैं? कुरान करीम की आयतें, तीन आयतें पढ़ी जाती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, कहिए नारे तकबीर। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना इरफान साहब, हजरत अल्लामा मौलाना इरफान साहब, नारे तकबीर। अल्लाह हू अकबर। शॉर्ट एंड स्वीट। एक ऐलान है, एक बच्ची अपने माँ बाप से बिछड़ गई है, वो स्टेज के पास है, सामने اقوم من نفس واحده دوسری ایت یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ایک تیسری ایت یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان تینوں ایتوں میں جو آسمان سے خطاب ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسانوں ڈرو اے ایمان والوں ڈرو ईमान वालों डरो। सोचने की बात यह है कि वो निकाह की मजलिस है, वो खुशी का मौका है, वो मसर्रत का मकाम है। एक बाप खुश हो रहा है कि आज उसके बेटे की शादी हो रही है, एक एक बहन खुश हो रही है कि उसके भाई की शादी हो रही है, एक भाई भूले नहीं समा रहा है कि उसके भाई की शादी हो रही है। मगर इस मौके पर अल्लाह की तरफ से जो पैगाम दिया जा रहा है कि इंसानों डरो, इंसानों डरो, ईमान वालों डरो, शादी के मौके पर डरने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? मुख्तसर में ये बात समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत है कि नहीं कि डरने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? देखिए, अल्लाह के रसूल प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी आमद से कबल सरजमीन अरब में बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारे मजालिम अंजाम दिए जा रहे थे, मगर उसमें से एक अहम यह था कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद कुरान करीम ये ऐलान कर रहा है, वइदा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्था ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन वहुवा कज़ीम। खुद कुरान ये ऐलान
ऐलान कर रहा है कि जब किसी को ये खुशखबरी सुनाई जाती कि तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई, शर्म के मारे उसका चेहरा काला हो जाता था कि लोग ये न कहें कि तू बेटी का बाप बन गया, तेरे घर बेटी पैदा हुई, इसलिए वो अपने समाज से, अपने माशरे से छुपा छुपा फिरता था। कोई ये न कह दे कि तू बेटी का बाप बन गया, तेरे घर में बेटी पैदा हुई। कुरान खुद कह रहा है कि वो ये सोच रहा था कि इस जिल्लत को हम क्या करें, क्या इस मिट्टी के नीचे दफन कर दें, या इस जिल्लत को हम बर्दाश्त करें। कुरान कह रहा है कि ये बहुत बुरा फैसला था। सूरत हाल ऐसी थी कि जब एक माँ बच्चा जाने के करीब होती, उसको गड्ढे के करीब लाया जाता, अगर बेटा होता घर लाया जाता, बेटी होती तो उस गड्ढे में डाल दिया जाता। सूरत हाल ऐसी थी कि जब एक बच्ची बड़ी हो जाती, उस बच्ची को जंगल में लाया जाता और गड्ढा खोद करके उसको मिट्टी के नीचे डाल दिया जाता। वो बेटी चीखती रहती, वो बेटी चिल्लाती रहती, हे अब्बा जान, अगर ये गड्ढा मेरे लिए खोद रहे हैं, मैं आज कसम खाती हूँ कि मैं कुछ नहीं मांगूंगी। हे अब्बा जान, मैं कभी तंग नहीं करूंगी। हे अब्बा जान, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। मगर वो कलीजा पत्थर का हो गया था, वो कलीजा पत्थर का हो गया था। बेटी चीखती रहती, बेटी चिल्लाती रहती, मगर कोई हर हर दिल पर नहीं आता और उसको मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाता था। ऐसे मोड़ पर ताजदार बखा आते हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और आप बेटियों के मकाम को बुलंद करते हैं और आप ऐलान करते हैं, ए लोगों, जिसके घर में बेटियां पैदा हुई उसकी वजह से मुसीबतों में मुब्तला की गई, मगर उस मुसीबतों को बर्दाश्त किया और मुसीबतों को बर्दाश्त करने के साथ उसको तालीम दिया, उसकी अच्छी तरबियत की, उससे शादी करा दी। अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि वो बेटियां जहन्नम के लिए आर बन जाएंगी, जहन्नम में दाखिल नहीं होने देंगी। किसने कहा? ताजदार बखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। इस निकाह के मौके पर ए दुनिया वालों, ए मुसलमानों, अल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है कि इंसानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। यही वजह है कि निकाह इबादत है। मेरे नबी ताजदार बखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करने का तरीका बताया मुसलमानों को कि निकाह कैसे करना है। मेरे नबी ने ऐलान किया कि सबसे बाबरकत निकाह वो है कि जिसमें सबसे कम खर्च हो। ए मुसलमानों, आज के दिन में सबसे ज्यादा मुतबर्रक निकाह को समझा जाता है जिसमें सबसे ज्यादा खर्च हो। ताजदार बखा तशरीफ फरमा है, एक औरत आ जाती है, वो कहती है, ए अल्लाह के रसूल, ए प्यारे नबी ताजदार बखा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल खामोश है। वो औरत दोबारा कहती है कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो औरत फिर कहती है, मैं शादी करना चाहती हूँ। बस हो गया, बस मैं इस वाक्य को खत्म करती हूँ, इस वाक्य को सुना दूं, उसके बाद में खत्म कर दूंगा। अल्लाह के रसूल, प्यारे नबी ताजदार बखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है। एक सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, आपको जरूरत नहीं तो क्या हुआ, हमको जरूरत है, मेरी शादी करा दीजिए। बहुत ही मजे की बात है, अल्लाह के रसूल ने क्या किया? अल्लाह के रसूल, प्यारे नबी ताजदार बखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी रसूल से पूछते हैं कि देने के लिए कुछ है? अरे देने के लिए कुछ है? अल्लाह के रसूल ने ताजदार बखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की से नहीं पूछा देने के लिए कुछ है, उस औरत के माँ बाप से नहीं पूछा देने के लिए कुछ है, उसके गार्जियन से नहीं पूछा देने के लिए कुछ है, ताजदार बखा ने पूछा उस नौजवान सहाबे रसूल से पूछा कि देने के लिए कुछ है या कुछ नहीं है। आज क्या पूछा जाता है? आज अगर जाते हैं एक लड़की के रिश्ता के लिए, सबसे पहले लड़का वाले उस लड़की वाले से पूछते हैं, शादी बाद में होगी, देने के लिए मोटरसाइकिल है
देने के लिए फोर व्हीलर है, देने के लिए पैसे हैं, देने के लिए जहेज है, देने के लिए तिलक है। ए नौजवानों, आज ये खालिद अनवर पूर्णवी ये ऐलान करके जा रहा है कि दुनिया वालों, ए नौजवानों, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ज़कात का ऐलान कर दो, हम तुम्हें ज़कात देंगे। ये इंटरनेशनल फकीर है जो कि जहेज मांगते हैं। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ताजदार था, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान सहाबे रसूल से पूछा कि देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? वो सहाबे रसूल कहते हैं हुजूर कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जाओ घर जाओ। वो सहाबे रसूल घर जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है, वापस आते हैं, कहते हैं कि फिर जाओ। वो घर जाता है, वापस आता है, कुछ नहीं है, फिर तीसरी बार भेजा जाता है। उनके हाथ में तहबंद है, लुंगी है, वो लेकर आता है, ए अल्लाह के रसूल ये हाजिर है, लेकिन ये तहबंद पूरी नहीं दूंगा, आधी दूंगा। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि दोगे तो पूरी दो। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि मैं पूरी नहीं दे सकता। उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अब तुम चले जाओ, इसलिए कि अब निकाह नहीं होगा। वो सहाबी रसूल चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल प्यारी नबी ताजदार बैठा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वो सहाबे रसूल करीब आते हैं। जब करीब आते हैं, मेरे नबी ताजदार बैठा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जानिए, वो उस नौजवान सहाबी से कहते हैं कि कुरान करीम की कुछ आयतें तुम्हें याद है? कुरान करीम की कुछ आयतें याद है? वो कहते हैं कि हाँ, मुझे फला फला सूरत याद है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सुनो, तुम महर दैन के बदले में, दैन महर के बदले में कुरान करीम की ये आयतें इस औरत को याद करा देना, तुम्हारा निकाह हो गया। वो औरत कहती है, हे मेरे नबी, ए ताजदार बैठा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस औरत से ज्यादा खुश नसीब कौन होगी कि जिसके मर्दैन मुहर में कुरान करीम की सूरत हो, कुरान करीम की आयत हो। मेरे बुजुर्गों, आज उल्टा जहेज मांगा जाता है, और हमारी माँ और बहनें सुन लें, आपके लिए मसला बता के जा रहा हूँ कि दैन मुहर आपका हक है। आप गिरेबान पकड़कर सबसे पहले दैन मुहर का मुतालबा कीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई? कितने लोग ऐसे हैं जिनका एक पांव कब्र में लटक रहा है? कितने लोग ऐसे हैं कि जो आज कब्र में आराम फरमा रहे हैं और उन्होंने दैन मुहर अदा नहीं किया? मेरे नबी ने ऐलान किया कि जिसने दैन मुहर अदा नहीं किया और उसके दिल में भी दैन मुहर न देने का, दैन मुहर देने का ख्याल नहीं आया, कल कयामत के दिन ज़िनाकार की हैसियत से उठाया जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ज़िनाकार की हैसियत से कहां जा रहा है ये समाज? मेरे बुजुर्गों, बातें बहुत कुछ है लेकिन वक्त नहीं है, वरना ही तो मैं आज बताता कि एक ईमान वाले की क्या जिम्मेदारी होती है, एक मोमिन की क्या जिम्मेदारी होती है। आज हमें खतरा किसी और से नहीं है, खतरा हमें अपने आप से, खतरा हमें अपने आप से है। कल बेटियां मिट्टी के नीचे दफन की जाती थी और ऐसा करने वाले वो लोग थे जो मुसलमान नहीं थे, और आज बेटियां मुर्तद हो रही है। आज बेटियां आयशा, आयशा नाम की एक औरत थी ना, जिस समंदर में कूद कर अपनी जान दे दी। उस वक्त मैंने किताब लिखी थी जहेज है सामाजिक कैंसर, किसकी वजह से? इस जालिम समाज की वजह से। और ऐसा करने वाले हम और आप मुसलमान हैं। हमने निकाह को मुश्किल बना, क्या निकाह को आसान करेंगे? निकाह को आसान करेंगे? अभी भी हाथ नहीं उठा रहे, अभी नाते पाक शुरू हो जाए सब हाथ उठाएंगे। क्या निकाह को आसान करेंगे? इंशाल्लाह जेल्स को खत्म करेंगे। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसी लिए मुसलमान, मैं इसी लिए नमाजी। आमीन व मा अलैना इल्लल्लाह। सफर तय करता हूँ और जनाबे
उमर अब्दुल्ला बाराबंकी से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और हम सबको नातिया शायरी से महसूस मुस्तफीज फरमाए। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि अज़्म मोहकम खरीद सकता हूँ, अज़्म मोहकम खरीद सकता हूँ, कौम का गम खरीद सकता हूँ और एक पैसे पे मुस्तफा लिखकर सारा आलम खरीद सकता हूँ। और मैं उन तमाम तलबा से गुजारिश करूंगा जिनके सरों पर दस्तार बांधी जाए कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। उन तमाम तलबा से गुजारिश करूंगा जिनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी वो तमाम तलबा स्टेज पर तशरीफ लाएं।